फ्रेंड्स, राम राम और शाम की नमस्कार आप लोगों सभी लोगों को और मेरे यूट्यूब चैनल बाउडी क्रीम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और क्या कर रहे हैं आप लोग आजकल? और मैं तो इस समय घर की साफ़ सफाई कर करके बहुत परेशान हूँ और मुझे दिन में इतना काम हो जाता है कि लगता है काम करते रहो, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों की हेल्प भी नहीं मिल पाती। और अगर ज़बरदस्ती बच्चों से हेल्प लो तो बच्चे हेल्प तो देते हैं लेकिन उनके एग्ज़ाम पर असर पड़ता है। तो मेरी बड़ी बेटी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है और छोटी बेटी उतना ही शैतानी करती है। मैं और मेरी बड़ी बेटी अगर किसी चीज़ को साफ़ करते हैं, रूम जैसे साफ़ किया, क्लियर किया, तो मेरी छोटी बेटी आकर अक्सर शैतानी करती है और बड़ी बेटी उसको डांट देती है। तो कि मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया और वो रूम में बाहर है, वो ऊपर थी छत पर लेकिन जस्ट नीचे आई है और मैं अभी आपको उससे मिलवाती हूँ। मनी अंदर आना। और मेरी बड़ी बेटी पढ़ रही है और छोटी को भी वो पढ़ाती रहती है और ख़ुद भी पढ़ती रहती है और पढ़ने में दोनों बहुत अच्छी हैं। और आप लोग बताइए, आप लोगों घर की दीपावली सफाई वगैरह हो गई? मैंने तो अभी सिंपली ऐसे साफ सफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ठीक से पता नहीं है कि हो सकता है मेरे घर का काम दिसंबर में रिनोवेशन का काम थोड़ा बहुत लगेगा, तो अभी मेरा रूम अच्छे से नहीं बना है, शायद बन जाए या नहीं भी बन सकते, मे भी, दोनों बातें हो सकती हैं। और मेरी छोटी बेटी आकर मेरे पास बैठ चुकी हैं, आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। ये देखिए, आओ इधर आओ। हेलो बोलो। हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नहीं, नमस्ते बोला करो, नमस्ते बोलो। नमस्ते। हाँ, तो क्योंकि ये वीडियो बड़े लोग देखते हैं ना, तो नमस्ते सबको बोलो, अच्छे से बोलो नमस्ते। नमस्ते। और क्या क्या किया आज? खेला। खेला और पढ़ाई की, पेपर दिया। पढ़ाई दी, पेपर दिया, सब कुछ कराई हैं। और अब क्या प्रोग्राम है? बाहर जाने का। और अब इनका बाहर जाने का प्रोग्राम है मेरे साथ। मैंने अपने सूट काफ़ी लंबे टाइम से लाकर घर में रखे हुए हैं लेकिन उनको मैंने अभी तक सिलवाया नहीं है, तो आज फाइनली मैंने सोचा है कि आज कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं आज अपने सूट डालकर आती हूँ सिलने के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी ये सूट सिलने को नहीं डालूँगी तो मुझे तैयार होकर ये नहीं मिल पाएंगे। और अभी मुझे दूसरे और सूट लेने हैं, तो मुझे स्टॉक में रखने में सूट अच्छे लगते हैं। मैं घर में तो ऐसे फटीचर बनी रहती हूँ क्योंकि लगता है कौन देखेगा मुझे, तो घर में मैं कुछ भी पहनती हूँ, कोई भी फटे पुराने का मैं परहेज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जितने भी कपड़े पहनती हूँ उन सब के लिए मुझे, मतलब जब भी मैं सूट खरीदती हूँ तो अच्छी खासी पेमेंट करनी पड़ती है पैसों की। और ये सारे सूट जो है मुझे बहुत फेवरेट हैं, कितना भी ये घिस जाते फिर भी मैं पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि नहीं मैं हमेशा नया कपड़ा ही पहनूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ तब तो मैं अच्छे से पहनती हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में कभी कोई आ जाता है तो वो मुझे यही समझता है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो लेकिन मेरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जब मैं कहीं आती हूँ, जाती हूँ कहीं शादी पार्टी में या ऐसे ही मार्केट गई तो भी मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, अच्छे से कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैं जब घर में रहती हूँ तो मैं क्या पहनी हूँ मुझे खुद भी होश नहीं रहता, क्योंकि मुझे फटे कपड़े हों उससे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि ये कपड़े भी हमारे हैं और ये बॉडी भी हमारी है, सभी कुछ अपना है। तो दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। मैं अपने पापा का रूल फॉलो करती हूँ। मेरे पापा जो थे पुराने टाइम के, काफ़ी ओल्ड थे वो, तो ओल्ड टाइप्स मतलब है उनको बातें जितनी भी थी बहुत वैसी करते थे, वैसी मतलब क्या बोलूँ, उनका वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, कि वो कहते थे कि अगर हमारे पास खाने को नहीं है तो क्या दुनिया खाने को दे देगी, और अगर हमारे पास पहनने को नहीं है तो क्या दुनिया पहनने को दे देगी। तो कहते थे मोटा खाओ, मतलब महीन खाओ मोटा पहनो, उनका ये रूल था कि महीन से महीन मतलब अच्छे से अच्छा खाओ और अच्छे से अच्छा पहनो, तो और बाकी कोई दुनियादारी आपको देने नहीं आएगी, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, अगर आपकी फैमिली वाले भी नहीं करते हैं। तो मैं अपने पापा का रूल हमेशा फॉलो करती हूँ। मुझे उनकी बातें, वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे लेकिन उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मेरे घर में सभी लोग ऐसे हैं, मेरे भाई भी हैं जो, तो भाई लोग भी बिल्कुल दिखावा नहीं करते हैं, वो घर में भी कैसे भी रहते हैं, लेकिन जो मेरी भाभियाँ हैं वो बहुत अच्छे अच्छे घरों से आई हैं, तो उनको लगता है जैसे बिल्कुल टीवी स्टार नहीं होते। मेरे भाइयों को हमेशा बोलेंगे आप अच्छे से नहीं रहते, अच्छे से स्टार बन के रहिए, स्टार से हमेशा मेंटेन रहिए, किसी भी टाइम आपको कोई भी घर में आ जाए तो आप हमेशा अच्छे से रेडी मिलें। तो और आप लोग बताइए, आप लोग कैसा सोचते हैं इस बारे में? और आजकल का तो टाइम है दिखावा करने का, कि आप मार्केट जाइए,
बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसा कि अप टू डेट बने रहते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी पॉकेट में 10 रुपये भी ना हो। और मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, वो बहुत बहुत रिच थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, लेकिन वो पहनावा ऐसे पहनते थे कि लोगों को लगता था कि उनके पॉकेट में 10 रुपये भी नहीं है। तो ऐसे एक बार कुछ कहानी हुई थी तो मेरे पापा ने वो बताया था, वो आपको कभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी अगर टाइम मिला तो। और बताइए आप लोग कैसे हैं, शाम की चाय वगैरह पी ली या नहीं पी? और मैंने तो आज अपनी जो दोपहर की चाय थी, आज मैंने सारा काम निपटाने के बाद मैं दोपहर में चाय फ्री होकर बैठकर जब पीती हूँ, तो मैंने आज सिंघाड़े का आटा, हो सकता आप लोग जानते हो व्रत में खाया जाता है, तो उसकी पकौड़ी बनाकर खाई, चाय पी, और कुछ फिंगर्स टाइप आते हैं उनको फ्राई किए ऑयल में, जो मुझे और मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हम लोगों ने दोपहर में ऐसे नाश्ता किया। और दोपहर और मैंने आज खाने के लिए इवनिंग में छोले वगैरह फुलो रखे, भी बनाऊंगी। और आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या क्या खाया, और प्लीज़ मेरी अच्छे अच्छे कमेंट करिए। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं आपके, मतलब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ भाई अच्छे अच्छे से कमेंट करिए। और मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग ज़रा से भी तो उधर से कमेंट करते हैं। और क्या बोलूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।